बड़ी। तो चलिए आप लोग पेन पेपर साथ में लेके बैठिए, और आज के क्लास में हम बताने वाले हैं अधिनायक कविता का सारांश। और अधिनायक कविता में कवि रघुवीर सहाय क्या बताना चाहते हैं, किस संदर्भ में ये कविता लिखी गई है, ठीक है। तो ये बताने वाले हैं आज के क्लास में। पिछले क्लास में जिसने भी पिछले क्लास नहीं देखे हैं वो पिछले क्लास को देख लीजिए। पिछले क्लास में रघुवीर सहाय की जीवनी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में बताए थे, और वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन का डिस्कस पिछले क्लास में मैंने कर चुकी हूँ। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं अधिनायक। तो चलिए जानते हैं, क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ, तो आप लोग तैयार हैं तो चलिए हम लोग जानते हैं अधिनायक। सबसे पहले ये जानते हैं अधिनायक, जो ये कविता है अधिनायक कविता, अधिनायक का मतलब क्या है? अधिनायक का मतलब है शासक। क्या मतलब है? शासक, ठीक है, शासक, ठीक है। और कैसा शासक? इसमें कांग्रेस जब आज़ादी हुई, जब हम लोगों का देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद ये कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में कहना चाहते हैं रघुवीर सहाय, कि ये कट्टरवादी शासक, यदि अधिनायक शब्द का ये कहें तो सत्ताधारी वर्ग के लोग, या तो फिर शासक, ठीक है, शासक। अब आप समझ गए होंगे और हम आगे चलते हैं, देखते हैं कविता के माध्यम से कवि रघुवीर सहाय क्या बताना चाहते हैं। पहले हम कविता पढ़ देते हैं, इसके बाद एक एक टॉपिक करके सारे का सारांश आप लोगों को पढ़ के बता दिया जाएगा, और इसके बाद समझा भी दिया जाएगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे और कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग तैयार हैं? सुनिए, कहते हैं राष्ट्रगीत में भला कौन भारत भाग्य विधाता है, फटास थुन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। राष्ट्रगीत में कौन आवा, राष्ट्रगीत में कौन भलाओ, भारत भाग्य विधाता है। फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मखमल टम टम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चंवर के साथ, मखमल टम टम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चंवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है, जय जय कौन कराता है। पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बुंच नर कंकाल, पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बुंच नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कौन कौन है वह जन गण मन अधिनायक वो महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। ये आप लोग की जो बुक में कविताएं हैं उस कविता के माध्यम से अब हम लोग जानते हैं कि कविता के सारांश और इसमें रघुवीर सहाय क्या बताना चाहते हैं, एक करके हम इनको समझते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि क्या कहते हैं। राष्ट्रगीत में कौन भला वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। इसमें कवि रघुवीर सहाय ये बताना चाहते हैं कि सत्ताधारी कांग्रेस
के नेतृत्व में ये देख के कहना चाहते हैं कि ये जो कांग्रेस है ये समानतावाद को मतलब खत्मों के बजाय मतलब उसका खत्म करने के बजाय समानतावाद को ये क्या कर रहे हैं, भूस्वामी वर्ग के साथ समझौता कर रहे हैं, यानी उसके साथ समझौता कर रहे हैं, गरीब लोगों को गरीबी रहने दे रहे हैं और अमीरों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। एक तरफ गरीबों का शोषण होते जा रहा है, दूसरी तरफ गरीबों के पास इतनी समस्याएं हैं कि भारतीय आम जनता को भोजन वस्त्र इस सब के लाले पड़े हुए हैं, अच्छी शिक्षा, शिक्षा की बात तो छोड़ दीजिए लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है भोजन, उसके भी लाले पड़े हैं, यानी उसका भी कोई व्यवस्था नहीं है, भोजन नहीं मिल पा रहा है, सही से कपड़ा नहीं मिल पा रहा है, फिर शिक्षा की क्या बात कही जाए। यानी गरीब वर्गों पर अत्यधिक शोषण किए जा रहा है, कौन? कांग्रेस सरकार। अब फिर इसके बाद इसी मतलब आज़ादी की वर्षगांठ पर फटा सुथन्ना, इसमें है ना फटा सुथन्ना, फटा मतलब फटा पुराना, सुथन्ना मतलब कपड़ा वस्त्र, फटा वस्त्र पहन के भी कुन हर चरना गाता है, इसका मतलब है फटा वस्त्र पहन के भी ये कहते हैं कुछ भी कि कांग्रेस सरकार जो है हम लोगों के प्रति कुछ करे, लेकिन सरकार उसके प्रति कुछ नहीं कर रही है, जरा सा भी उनके हृदय में आघत पहुंचकर कुछ जरा भी ये नहीं हो रहा है कि मैं मतलब क्या करूं, गरीबों की सहायता करूं, मदद करूं, और वो अमीरों को ही देखते जा रहे हैं। तो इस पे कवि कहते हैं रघुवीर सहाय कि ये जो शोषण हो रहा है ना इसके पीछे एक विद्रोह होना चाहिए, और कैसी विद्रोह, एक गरीबों के संगठन कर उसमें सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया जाए ताकि ये समानतावाद जो हो क्या हो जाए, खत्म हो जाता है। आजकल भी वैसा ही है, आप लोग जानते ही है कि पेट आजकल के नेता भी वैसे हैं कि जो भी सब कौन ये आते हैं योजनाएं वगैरह सब में पैसा वैसा, वो क्या करते हैं ऊपर ऊपर ही खत्म हो जाते हैं, गांव के लोगों तक आ नहीं पाते हैं। तो किसी कवि ने, सुनिएगा, किसी कवि ने ठीक ही कहा है, ऊपर ऊपर पी जाते हैं, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले होते हैं, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले होते हैं, कहते हैं ऐसे जीते हैं जो जीने वाले होते हैं, कहते हैं ऐसे जीते हैं जो जीने वाले होते हैं, मतलब जो जीने वाले होते हैं। बड़े बड़े लोगों की तो बात देख ही रहे हैं कि गांव में इतनी सारी चीज़ आते हैं, इतनी योजनाएं आती हैं, इतने पैसे आते हैं, लेकिन वो आम लोगों तक पहुंच नहीं पाता, इसी संदर्भ में कवि कहते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। मखमल टमटम बल्लम तुरही, मतलब मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चंवर के साथ, तोप छुड़ा कर ढोल बजाक, जय जय कौन कराता। इसमें कहते हैं मखमल तुरही, मखमल मतलब हुआ कि लोग मखमल के वस्त्र पहन के, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के वो क्या कर रहे हैं, शासन जो कर रहे हैं वो गरीबों पे, मतलब उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तोप छुड़ा कर ढोल बजा कर उसके जो मतलब अपनों मतलब अपनी गुणगान दबाव में आकर के दाब उसके ऊपर दबाव डाल करके अपनी गुणगान को जनता से करवा रहे हैं, जनता को डरा के ये कहते हैं मेरी गुणगान करो, और उन्हीं की जय जयकार करवाता है कौन, कांग्रेस सरकार। इन्हीं के नेतृत्व में ये कहते हैं कि जो आदमी, रघुवीर सहाय तब तो कहते हैं कि जो आदमी यदि डर गया है तो वो कभी विद्रोह नहीं कर पाएगा, वो हर चरना शब्द सत्तावर्ग जो है डर मतलब सत्तावर्ग से जो डरता है, जो कांग्रेस से डर गया वो तो डरपोक दिन प्रतिदिन डरपोक ही होते जाएगा, और इस राजनीति के प्रति कोई आवाज़ नहीं उठा पाएगा जब तक कि हम लोगों को सबको साथ मिल के ये विद्रोह करना होगा, एक क्षमता लानी होगी, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे। इसमें विद्रोह करने के लिए कहते हैं कि चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, अपनी जितनी ही अपनी मजबूरियों को दबाए रखेंगे उतना ज़्यादा ये क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा, विशाल होते जाएगा, इसलिए इसे ना छुपा करके इसे क्या करना है, एक विद्रोह के तौर पे इस सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो कांग्रेस नेता पर एक व्यंग हम कहने जाते हैं आप लोग से,
सुनिएगा ध्यान से कि ये व्यंग इस संदर्भ में है कि उस समय जनता ये चाहती है कि जब हम लोग घर में ही सुरक्षित नहीं हैं, घर में ही हम लोग को खाना नहीं मिल पा रहा है, फिर बाहर में हम क्या कर सकेंगे। जिस घर में जो मुख्य आदमी होता है उससे कुछ नहीं कर सकेंगे तो हम दूसरे से क्या कहेंगे। यानी सरकार हुई तो क्या, सबों का मालिक है, उनके पास सबों की शिकायतें दर्ज करने की ये है, वो सबों की सहायता करेंगे। लेकिन सरकार वैसा नहीं करते हैं तो उस पर हम एक किसी शायर ने ठीक ही कहा, क्या कहा सुनिएगा आप लोग। दुश्मन तो खोद निकालेंगे सात समुंदर पार से, दुश्मन तो खोद निकालेंगे सात समुंदर पार से, लेकिन कैसे बच पाएंगे अपने घर के गद्दार से। लेकिन कैसे बच पाएंगे अपने गद्दार से, जिसके घर में ही गद्दारी हो। यानी घर में ही हम यदि सही से ना जी सके तो फिर बाहर में कैसे खोज सकेंगे। यदि घर में ही मेरा शोषण होता हो तो क्या हम बाहर के दुश्मनों को खोज सकेंगे। घर में जो सुरक्षित ना हो वो कहीं सुरक्षित नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बुचे नर कंका, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। इसमें कवि कहते हैं रघुवीर सहाय कि कोई ऐसी दिशा नहीं बची हुई है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दक्षिण सभी दिशाओं में क्या है, भूख की एक चित्कार सुनाई पड़ती है। ऐसी भूख जहाँ की हर बच्चे क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे भूख से कुपोषित होते जा रहे हैं। उनको सही समय पर भोजन नहीं मिल पा रहा है, वस्त्र नहीं मिल पा रहा है, जिससे बच्चे कुपोषित होते जा रहे हैं। कैसे कुपोषित, नंगी मुच नर कंकाल, मतलब मानो वो नर कंकाल की तरह समान दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, नर कंकाल के जैसे दिखते हैं। वही सत्ताधारी वर्ग क्या कर रहे हैं, शोषण का चक्र चलाते हुए धीरे धीरे इसको आगे की ओर ले जा रहे हैं और गरीबों पर अत्यधिक शोषण करते जा रहे हैं। और इसी संदर्भ में रघुवीर सहाय ने ये समकालीन मतलब कि इसके अनुसार ही साधारण मानव का सरोकार करते हुए कहते हैं कि इसलिए कोई भी ऐसी आशा और आकांक्षा नहीं है जहाँ की पीड़ा ना हो, विषाद ना हो, राग विराग अपनी ही इसी कविता में वो अभिव्यक्त करते हैं कि कहीं भी कुछ नहीं है, कहीं भी कोई पीड़ा विषाद विराग, जब तक कि हम इस सरकार के विरुद्ध खिलाफ करके विद्रोह नहीं करेंगे तब तक ये सरकार नहीं कुछ कर सकती है। बात समझ रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, कौन कौन है वह जन गण मन अधिनायक व महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। कहता कौन कौन है वह जग जनगण मन अधिनायक हुआ महाबली, सत्ताधारी क्या है, महाबली है, जिसका मन डर गया वो क्या है, वो डरा ही रह जाएगा, वो कभी विद्रोह नहीं कर पाएगा। और जो फलते फूलते जा रहे हैं, जैसे कांग्रेस नेता फलते फूलते जा रहे हैं और धीरे धीरे गरीबों पर शोषण का चक्र चलाते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसी तरह ढोल बजाकर बाजा बजाकर रोज बजाता है और चलते रहता है, उसी तरह से ये जो डरे हुए समाज में जो गरीब लोग हैं उसको डराते रहेंगे और ये पीढ़ी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जाएगी और जितना डर होगा उसके खिलाफ विद्रोह कभी नहीं हो सकता है। और ये रघुवीर सहाय कहते हैं कि डर को हटा करके डरपोक नहीं बनना है, उसमें क्या करना है, विद्रोह करना है और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना है। तो राजनीति इस तरह हो गई है कि कह नहीं सकते हैं, और आजकल भी राजनीति वैसी ही है, देख रहे हैं मोदी सरकार को, चाय बेचते थे लेकिन आज क्या है, प्रधानमंत्री। तो उसी के संदर्भ में कुछ एक लाइन है, कहते हैं आज की राजनीति तो इस कदर हो गई कि किसी शायर ने ठीक ही कहा है, आज की राजनीति इस कदर हो गई किसी शायर ने ठीक ही कहा, बनकर हादसा बाजार में आ जाएगा, बनकर हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो अखबार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र, चोर उचक्कों की करो कद्र, ना मालूम
कौन कब किसकी सरकार, कौन कब किस सरकार में आ जाएगा। ये किसी को पता नहीं है कि कौन कब किस सरकार में आ जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आती होगी। तो फिर और जहाँ भी आप लोग को थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और हम उम्मीद चाहेंगे कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी क्लास ला सके, तैयार कर सके। और अब चलते हैं, बात ये करते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह के पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम बताना भूल गए लेकिन अभी बता देते हैं। ये जो अधिनायक चैप्टर है आप लोग के बुक में, तो ये लिया गया है आत्महत्या के विरुद्ध। किसके विरुद्ध लिया गया है ये क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अधिनायक चैप्टर जो लिया गया है ये आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक है। तो देखिए यही बात बताने वाले थे, और आत्महत्या के विरुद्ध ही संग्रह है। पिछले क्लास में हम बता भी दिए हैं कि आत्महत्या के विरुद्ध इतनी कौन कौन सी रचनाएं लिखी, कहाँ पे इसको वो साहित्य के लिए पुरस्कार भी दिया गया, देखते बता दिए सारा क्लास। और आप लोग क्या कीजिए, पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं पिछले क्लास को, तो पिछले क्लास को पहले देख लीजिए, इसके बाद ये क्लास देखिए। तो आज की क्लास में हम चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो रघुवीर सहाय कविता अधिनायक किस संग्रह से ली गई है, किससे ली गई है, आत्मा के विरुद्ध, ठीक है। अधिनायक कैसी व्यक्त कविता है, ये राजनीति पर व्यंग छेड़ते हैं, राजनीति पर कमेंट कसते हैं और कहते हैं ये सारी बातें। और फिर क्वेश्चन आ जाएंगे, कवि को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लोग भूल गए हैं कब दिए थे, 1984 में मिला था उसको, बताए थे पिछले क्लास में। अच्छा, रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि थे, एक चीज़ में देख लीजिएगा, रघुवीर सहाय जो थे ये द्वितीय सप्तक, मतलब दूसरे सप्तक मतलब बोले तो 1951 ईस्वी, ठीक है, के समकालीन ये कवि थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है, अधिनायक कविता में रघुवीर सहाय क्या संदेश देना चाहते हैं, कि पूरा तंत्र क्या है, लोकतंत्र पूरा शोषण से भरा हुआ है, इसलिए लोकतंत्र से क्या करो, लड़ो ना कि उसे डरो। अधिनायक कौन है, सत्ताधारी वर्ग के लोग हैं। अधिनायक किस कवि की रचना है, रघुवीर सहाय की। तो इस तरह के जो, अच्छा, बाजा बजाना का अर्थ क्या है, बाजा बजाना का अर्थ है यानी कि कोई बोल दिया हाँ ठीक है चलना है, हाँ ठीक है चलो, हाँ गाय दूध देती है, हाँ बैल दूध देती है, देते हैं, हाँ सब चीज़ में हाँ हाँ करने वाले को ही क्या कहें, बाजा बजाना कहा, ठीक है, हाँ में हाँ मिलाना। तो फिर देखिए इसमें से दे देंगे, रघुवीर सहाय की किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, लोग भूल गए हैं, ठीक है, बता दिए हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और फिर आगे की क्लास के लिए देखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करते रहिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।